राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का हुआ प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन डीलर्स के बेहतर कार्य से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न वितरण में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अग्रणी है, परंतु प्रदेश सरकार राशन डीलर्स की माली हालत को दुरुस्त करने के प्रति निष्ठुर बनी हुई है। प्रदेश के पड़ोस के राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और दिल्ली की प्रादेशिक सरकारों ने वहां के राशन डीलर्स के लिए बेहतर कमीशन 200 रुपये से 280 तक दे रही है। कई राज्यों में राशन डीलर्स को बेहतर मानदेय भी दिया जा रहा है, परंतु उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों को उनके बेहतर कार्यों के बावजूद भी मामूली सी रकम कमीशन के रूप में दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने आज एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में रखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय तुम्हारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सत्य संघर्ष। सर, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की आज ये महासम्मेलन राजधानी लखनऊ के दारूशाफा में आयोजित है। आप लोग बाहर से आए हैं, जौनपुर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के बारे में, क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोगों की मांग है वन नेशनल वन राशन कार्ड। जैसे गुजरात में अभी 20,000 मान दे दिए, 2 रुपये कमीशन प्रति किलो कुंटल जो है हरियाणा दे रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जब वन नेशनल वन कार्ड, एक ही कार्ड चल रहा है हर एक प्रदेश में, तो हम लोगों को 2 रुपया प्रति किलो कमीशन किया जाए। अभी मंत्री उनकी जगह कार्यक्रम लिए हैं, सांसद मंत्री कार्यक्रम लिया गया है, 1 बजे से कार्यक्रम है उन लोगों का। और लोग आए हैं, देखिए हम लोग अपना ज्ञापन देंगे, अपनी मांग रखेंगे। जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक मेन है उप मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार, और तो यहाँ के कुछ लोग विधायक भी, हमारे यहाँ के विधायक भी हैं जौनपुर से भी, वही लोग हैं। हम ये कार्यक्रम को लेके हम लोग ये अंतिम निर्णय लिए हैं। अगर सरकार हम लोगों की मांग, जैसे दिल्ली में 200 रुपये कुंतल कमीशन मिला है, अगर ये सरकार जो है दिल्ली से सटा हुआ हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में दिल्ली में 200 रुपये कुंतल कमीशन मिला, हमारे उत्तर प्रदेश में 90 पैसे कुंतल कमीशन मिला है। तो अगर ये सरकार अगर हम लोगों की 200 रुपये कुंतल अगर नहीं जो है कि हम लोगों का भी कमीशन की मांग है कि हम ये सरकार हमको 200 रुपये कुंतल कमीशन दे, अगर हम लोगों को यह जो है कि अगर 200 रुपये कमीशन नहीं मिलता है तो आने वाले चुनाव में हम लोग 80,000 कोटेदार जो है खुलकर के जो है हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। एसोसिएशन का राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में महासम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ प्रमुख मांगे लेकर आज आए हैं यहाँ पर और क्या रखेंगे मांगे? हमारी तो एक मांग है, यहाँ पे हम लोग आए हैं, हमारे सिर्फ पदाधिकारी आए हैं, सामान्य कोटेदार नहीं आए हैं, और सिर्फ पदाधिकारियों के यहाँ 80 जिलों का हमारा सम्मेलन है, सिर्फ पदाधिकारी आए हैं। सरकार के मंत्री और विधायकों को हमने आमंत्रित किया, वो भी 1 बजे के बाद आएंगे। हम लोगों की एक मांग है कि जब हम वही काम करते हैं, हमको यहाँ 90 पैसा पर किलो मिलता है, और यही दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान, मतलब गोवा में, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ 200 रुपया कुंटल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि हमको 90 पैसा दिया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम पूरे देश में सबसे बढ़िया वितरण करते हैं, पूरे देश में ई-पास के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर वितरण करता है, हम कोरोना काल जैसी बीमारी में जब कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, हम लोग टच कर रहे हैं, ये बातें हैं। और काफ़ी हमारे कोटेदार दिवंगत भी हुए हैं, तो हम लोगों की एक ही मांग है कि अगर वही काम हम भी करते हैं तो हमारा भी कमीशन 200 रुपया कुंटल हो अन्य प्रदेशों के बाद, क्योंकि हम सबसे बढ़िया करते हैं तो हमारे 200 से ज़्यादा होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारा सम्मेलन है, सम्मेलन के बाद हम सरकार से निवेदन करेंगे, और सरकार अगर हमारी निवेदन नहीं सुनती है तो सरकार से सीधी फाइट करने का प्रयास। कितने जिलों से लोग आए? हमारे यहाँ लगभग 75 जिलों से लोग आए हुए हैं, यहाँ हमारे 75 जिलों के पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं इस समय हाउसफुल है। और प्रत्याशियों के आने की संभावना है? ब्रजेश पाठक जी ने अनुमति दिया है, कई विधायकों ने दिया है, फतेह बहादुर सिंह ने दिया है, सबका प्रोटोकॉल भी है, अब देखिए कौन कौन से आते हैं। अगर आपकी मांग ना मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? आप हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा 6 को अभी दिल्ली में सम्मेलन है, अब बैठक है पूरे राष्ट्रीय स्तर का, तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर तय करके सरकार से अपना काम मान मंगवाने की बात करेंगे, पूरा कराएंगे, और नहीं पूरा होता हम कोर्ट में भी हैं, हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट की शरण में भी है, उसको भी हम पूरा कराने का। देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।